बहरहाल प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए, ये गुजारिश है, इसे मंजूर होना चाहिए। और काटते रहते हैं जो बेरोह लफ्जों के पहाड़, उनको शायर तो नहीं मजदूर होना चाहिए। अंजुम बाराबंकी साहब के इन अशआर के साथ मैं अंजुम भाई को आवाज़ दे रहा हूँ, वक्त नहीं है वरना इनका शजा बयान करने में सुबह भी हो सकती है। नहीं नहीं, वो शुभमन दोस्तों का अपने मोहसिनों का खसूसियत के साथ एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब का, डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब का, भाभी हिजाज फातिमा पाटनकर का, कमर भाभी हमारी फहरिस्त में, कमर भाभी का, निजाम भाई का, अमीन भाई का, मुस्तफी मक्की साहब का, हमारे दोस्त शुएब शकील आजमी साहब का, नहीं शेर सुनाऊंगा, जाहिर है कि इतनी देर से गवारा कर रहा हूँ तो करना तो मुझे भी वही है जो सब करते हैं। तो मतलब बतौर ख़ास आप सब की के तवसुत से अर्ज़ करता हूँ, और यही काम है मेरा भी कमोबेश कम ज़्यादा। फैयाज भाई, सरफराज आरू साहब, आपके तवसुत से मतलब बतौर ख़ास अर्ज करता हूँ कि अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, आपका जिक्र किया जाएगा खुशबू की तरह। वाह वाह, अपना किरदार, तालियां बजा दें, खाना तो जाहिर है। मुशीर भाई और सारे हमारे दोस्त, यूसुफ भाई तशरीफ ले आइए। मतलब फिर आपके तवस्सुत से अर्ज करता हूँ कि अपना किरदार बना लीजिए उर्दू की तरह, आपका जिक्र किया जाएगा खुशबू की तरह। दूसरा मतलब अर्ज करता हूँ कि मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, हवा चराग नहीं दिल बुझाना चाहती है, मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, हवा चराग नहीं दिल बुझाना चाहती है। बहुत अच्छे वाजी। तुझे मरज है उदासी के गीत सुनने का, तुझे मरज है उदासी के गीत सुनने का, ये जिंदगी तो अभी मुस्कुराना चाहती है। बहुत अच्छे वाजी। तुझे मरज है, बहुत अच्छे, बहुत अहम शायर हमारे, ये जिंदगी तो अभी मुस्कुराना चाहती है, हर एक लफ्ज में सीने का नूर डाल के रख, हर एक लफ्ज में सीने का नूर डाल के रख, कभी कभार तो कागज पे दिल निकाल के रख। वाह, कागज पे दिल निकाल के, वाह, नूर डाल के रख, कभी कभार तो कागज पे दिल निकाल के रख, जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं, जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, तो आस्तीन में दो चार सांप पाल के रख। बहुत अच्छे, वाह जी वाह, देखिए मुशायरा जाग रहा है। जो दोस्तों की, जी जी वाह वाह, दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, जो आस्तीन में दो चार सांप पाल के रख, तुझे तो कितनी बहारें सलाम भेजेंगे, तुझे तो कितनी बहारें सलाम भेजेंगे, अभी ये फूल सा चेहरा जरा संभाल के रख। बहुत अच्छे, फूल सा चेहरा, बहारें सलाम भेजेंगी, अभी ये फूल सा चेहरा जरा संभाल के रख, अंधेरे की तरह बेकार लोगों, अक्स भाई मतलब आपकी नजर है, अंधेरे की तरह बेकार लोगों, दवा खाया करो बीमार लोगों, अच्छा, अंधेरे की तरह बेकार लोगों, दवा खाया करो, दवा खाया करो बीमार लोगों, वफादारी का मतलब हमसे पूछो बताएंगे तुम्हें गद्दार लोगों, अच्छा वाह, वफादारी का मतलब हमसे पूछो, क्या मुखातिब किया, वाह, वफादारी का मतलब हमसे पूछो बताएंगे तुम्हें बीमार लोगों, बताएंगे बीमार लोगों, तराशो उम्र भर पत्थर की सूरत, तराशो उम्र भर पत्थर की सूरत, बहुत काम आएगा किरदार लोगों, तराशो उम्र भर पत्थर की सूरत, बहुत काम आएगा किरदार लोगों, तराशो उम्र भर पत्थर की सूरत, बहुत काम आएगा किरदार लोगों। फिर मतलब अर्ज करता हूँ कि जब से सच्चाई के रास्ते से हटे हैं हम लोग, बहुत अच्छे, जब से सच्चाई के रास्ते से हटे हैं हम लोग, मुश्किलें बढ़ गई गिनती में घटे हैं हम लोग, वाह वाह, जब से सच्चाई के रास्ते से हटे हैं गिनती में घटे हैं हम लोग, वाह, मुश्किलें बढ़ गई गिनती में घटे हैं हम लोग। यूसुफ भाई ये शेर आपकी नजर है कि अब जो पत्थर हुए जाते हैं तो हैरत क्यों है, अब जो पत्थर हुए जाते हैं तो हैरत क्यों है,
मुद्दतों फूल की पत्ती से कटे हैं हम लोग। वाह, फूल की पत्ती से कटे हैं हम लोग। अब जो पत्थर हुए जाते हैं तो हैरत क्यों है, मुद्दतों फूल की पत्ती से कटे हैं हम लोग। बतौर खास इस सिलसिले से चार शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद के एक तरकीब है रुसवाई चली जाएगी, एक तरकीब है रुसवाई चली जाएगी, रुसवाई चली। ये हमारे अबरार काशिफ साहब और शकील आजमी साहब खुसूसियत के साथ, मैं अभी गुज़िश्ता दिनों भी ये बात माइक से कही थी, आज फिर उसको दोहराता हूँ कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की गज़ल का मिजाज है और जो गज़ल में जो कुछ कहा जाना चाहिए, जो कुछ शकील आजमी के यहाँ है वो कम लोगों के यहाँ है, बल्कि बहुत से लोगों के यहाँ तो है ही नहीं। जोरदार तालियां शकील आजमी साहब के लिए। हमारी नई शायरी की नई आवाज़ और नई पहचान है, उनके हवाले से भी आपकी खिदमत में ये शेर अर्ज करता हूँ। बतौर खास हमारे दोस्त हमारे अजीज हैदर अमान जो दुबई से आए, उनको भी मतले में शरीक करता हूँ। यूसुफ भाई तशरीफ ले आइए, यूसुफ दीवान साहब मेरे दोस्त हैं। मतला अर्ज करता हूँ कि एक तरकीब है रुसवाई चली जाएगी, बहुत अच्छी एक तरकीब है रुसवाई चली जाएगी, आप आ जाइए तन्हाई चली जाएगी। बहुत अच्छे, वाह। एक तरकीब है रुसवाई चली जाएगी, आप आ जाइए तन्हाई चली जाएगी। अब शेर अर्ज करता हूँ कि जुल्म को देख के चुप रहते हो बोलो वरना। बतौर खास जहीर भाई बहुत अच्छे शरीफ साहब की मौजूदगी हमारे लिए सआदत की बात है कि हम इनके सामने शेरखानी कर रहे हैं। बतौर खास शेर अर्ज करता हूँ कि जुल्म को देख के चुप रहते हो बोलो वरना, जुल्म को देख के चुप रहते हो बोलो वरना, ये जो है नेमते गोयाई चली जाएगी। वाह वाह, जुल्म को देख के चुप रहते हो बोलो वरना, ये जो है नेमते गोयाई चली जाएगी। ये जो है नेमते क्या बात है, जो है नेमते गोयाई चली जाएगी। आप फूलों को कुचलते हैं, ये अपने मोहसिन डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर की खिदमत में अर्ज करता हूं। बहुत अच्छे, वाह। तवज्जो से आप सबकी खिदमत देखिए, साइंटिफिक शेर है, सुनिएगा कि आप फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से, आप फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से, एक दिन आपकी बीनाई चली जाएगी। वाह वाह, एक दिन आपकी बीनाई चली जाएगी पैरों से। वाह जी वाह, आप फूलों को कुचलते हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से, एक दिन आपकी बीनाई चली जाएगी। ये भी शेर सुनिएगा कि इतना झूठ का इतना उजाला है जहाने दिल में, झूठ का इतना उजाला है जहाने दिल में, झूठ का इतना उजाला है जहाने दिल में, ऐसा लगता है कि सच्चाई चली जाएगी। सच्चाई, झूठ का इतना उजाला है जहाने दिल में, ऐसा लगता है कि सच्चाई चली जाएगी। और ये सिलसिले का आखिरी शेर बतौर खास हर जगह का रोना है कि ऐसा लगता है कि सच्चाई चली जाएगी, चली जाएगी, ऐसा लगता है कि सच्चाई चली जाएगी। खैमेबाजी का यही रंग रहा तो एक दिन, वाह, खैमेबाजी का यही रंग रहा तो एक दिन, शहर से रस्म पजीराई चली जाएगी। रस्म पजीराई, वाह वाह वाह, रंग रहा तो एक दिन, खैमेबाजी का यही रंग रहा तो एक दिन, शहर से रस्म पजीराई चली जाएगी। आखिरी तीन शेर और आपकी मोहब्बतों को सलाम कि दिलों से खौफ के आसेबो जिन निकालता है, दिलों से खौफ के आसेबो जिन निकालता है वही चिराग जलाता है दिन निकालता है, दिलों से खौफ के आसेबो जिन निकालता है वही चिराग जलाता है दिन निकालता है। अजीब पेशा है मजदूर का पसीना भी, अजीब पेशा है मजदूर का पसीना भी, पहाड़ काट के रास्ता कठिन निकालता है, पहाड़ काट के, अजीब पेशा है मजदूर का पसीना भी, पहाड़ काट के रास्ता कठिन निकालता है। और आखिरी शेर और मोहब्बतों से रुख्सत कीजिएगा कि ये बादशाह नहीं है फकीर है सूरज, ये बादशाह नहीं है फकीर है सूरज, हमेशा रात की झोली से दिन निकालता है। क्या बात, ये बादशाह, ये बादशाह नहीं है फकीर है सूरज, हमेशा रात की झोली से दिन निकालता है। दिलों से खौफ के गुंजाइश नहीं है बखुदा, वरना तरुण से जाहिर है कि दो अहम शोरा यहाँ मौजूद हैं और वक्त कम है, दामने वक्त में मैं जिनका ये मिसाल दोहरा दीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया जी 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 जी,
ये पढ़ लीजिए दिन का। ये बादशाह नहीं है, फकीर है सूरज, हमेशा रात की झोली से दिन निकालता है। दो शेर मैं अर्ज का सिर में, कुर्सियां उधर करके लोग बैठ गए हैं और सब जाहिर है कि सैयदों को भी बहुत देर तक भूखा नहीं रखा जा सकता। वक्त का तो हथौड़ा चल रहा है, इसका भी ख्याल रखें। सामने से भी चल रहा है। जी जी, एक मतला और एक शेर आपकी खिदमत में हुक्म है, सो अर्ज करता हूँ। असद सिद्दीकी हमारे दोस्त हैं, उनके लिए मतला है। ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले, ख्वाब के बोझ से गिर गिर के संभलने वाले अच्छे लगते हैं मुझे, नींद में चलने वाले अच्छे लगते हैं मुझे, नींद में चलने वाले इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है। बतौर खास आपकी खिदमत में, इस उदासी के धुएं से तो यही लगता है बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले, बुझ गए होंगे मेरे नाम से जलने वाले। आखिरी शेर, खुशबुएं हाथ उठा कर जो दुआएं मांगे, खुशबुएं हाथ उठा कर जो दुआएं मांगे खत्म हो जाएंगे सब जहर उगलने वाले, खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया।